आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है और बहुत ही दमदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को बनाया गया है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे बताइए कि कैंपा कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे उनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम कैंपा कोला के साथ मिल करके उनके सेल्स पार्टनर बन सकते हैं और कुछ अर्निंग सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, फाउंडर ऑफ एलकाशन आरो। आपको बहुत शानदार बिजनेस आइडियाज़ और कई सारे सॉल्यूशंस यहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप कैंपा कोला के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप सेल्स पार्टनर बन सकते हैं, इनके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत विनाशक होती है। जब मेरे पास ये कमेंट आया और सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि कैंपा कोला के लिए हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी स्टडी करी, कई सारे मैंने भी वीडियोज़ देखे, लेकिन बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स मिली हैं जिन पे आप इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और वहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी पर्सन से अगर कांटेक्ट करेंगे तो अपने रिस्क पर करेंगे। बाद में ये मत बोलिएगा कि जितेंद्र ने कहा था इसलिए हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया और हम बर्बाद हो गए। तो इसके लिए जब भी आप कॉन्टैक्ट करें हर चीज़ की पूरी जांच पड़ताल खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई अगला स्टेप आप लीजिएगा। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो इंटरनेट की स्टडी, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद, कई सारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद, कई सारे ईमेल्स करने के बाद ये जानकारी मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम कोई इस तरह का फ्रेंचाइजी बिजनेस या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस हम करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, और इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस चाहिएगा क्या, कौन से आपको लाइसेंस लगेंगे, किस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको पहले रिटेल का एक्सपीरियंस आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम रिटेलर से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम अपनी सेल्स कैसे बनाएंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, लगभग 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर का आपके पास एरिया होना चाहिए जिसको आप कवर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कितना मार्जिन मिलेगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी लोकेशन यानी कि एरिया आप डिसाइड कीजिए और वहाँ पर चेक कर लीजिए क्या ऑलरेडी कोई सुपर स्टॉक होल्डर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, नहीं तो आपको फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस एरिया में नहीं मिल पाएगी। कैंपा कोला के साथ काम करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज़, कैंपा कोला अब रिलायंस का ब्रांड बन चुका है, क्योंकि रिलायंस ने इसमें अपना 50% का स्टेक ले लिया है, तो अब इसकी सारी की सारी जितनी भी ब्रांडिंग है, सारा प्रोडक्शन है, वो सब रिलायंस खुद देखती है। रिलायंस अपने सॉफ्ट ड्रिंक खुद नहीं बनाती है, ये दूसरे अपने मैन्युफैक्चरर से बनवाती है। एक मैन्युफैक्चरर का नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, समाग इंडस्ट्री, जो यहाँ पर रिलायंस के लिए कैंपा कोला को प्रोड्यूस कर रही है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें जो भी लाइसेंस चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं, हमें GST रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, हमें FSSAI का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और हमें गुमत्सा लाइसेंस चाहिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ कमर्शियल व्हीकल होने चाहिए जिनसे कि आप अपने ट्रांसपोर्ट यानी कि अपने डिलीवरी को आप अपने रिटेलर तक पहुँचा पाओगे। ये तो बात हो गई हमें कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लगभग लगेगा। देखिए जब आप कोई भी इस तरह का बिजनेस करते हैं जिसमें कि आपको बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा करना होता है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है गोडाउन की, तो आपको एक गोडाउन चाहिए होगा, अब चाहे वो आपका खुद का हो या फिर आपने रेंटेड पर लिया हो, जिसके लिए आपकी लगभग जो अगर आप रेंट पर ले रहे हैं तो एक अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट आएगी वो 3 लाख से 5 लाख रुपये तक आ सकती है। आपके पास कम से कम 2 से 3 कमर्शियल व्हीकल होने चाहिए जिसमें कि आप अपना ट्रांसपोर्ट का सारा जितनी भी डिलीवरी है उनको आप कर पाएं। जब भी आप अपना ये काम शुरू करेंगे तो आप जब इनिशियल स्टॉक उठाएंगे तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का आपको स्टॉक भी
मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपने स्टॉक तो मेंटेन कर लिया भाई, आपने इनिशियल स्टॉक खरीद लिया 6 लाख रुपए का, लेकिन अब आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम से कम 5-6 लाख रुपए होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने रिटेलर को माल डिलीवर करते हो ना, तो कई बार वहाँ से आपको नगद पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट उधार हो जाती है, कई बार हाफ पेमेंट मिलती है, तो पैसा मार्केट में रुक करके चलता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए, जिससे कि आप नया स्टॉक मंगा सको और जो आपने पुराना स्टॉक बेचा था वहाँ से आप अपनी पेमेंट कलेक्ट करके फिर से आप वर्किंग कैपिटल को इकट्ठा कर सको। और कुछ मिसलिनियस खर्चे होते हैं, हिडन कॉस्ट होती है, जैसे कि व्हीकल का मेंटेनेंस है, या लाइट बिल है, इंटरनेट बिल है, बिलिंग है ना, पेपर है बिलिंग के लिए, ये सारे मिसलिनियस खर्चों में आते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास एक महीने का कम से कम 1 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इस बिज़नेस में आइएगा, अदरवाइज़ ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ली कि हमारा इस बिज़नेस को शुरू करने में कितना खर्च आएगा, अब ज़रा देख लेते हैं कि इस बिज़नेस को करने से हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा। तो इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो कैंपा कोला के साइड से उसके डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी ओनर को मिलता है 4% का प्रॉफिट। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन अपनी बना करके चलिएगा कि मंथली आपको कितनी सेल निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मार्जिन मिलता है वो केवल और केवल 4% का मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप सेल करते हैं तो ही आप कुछ कमा पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री पे इसका 50% शेयर है, और रिलायंस इंडस्ट्री इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करती है, समाग इंडस्ट्री से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो समाग इंडस्ट्री के पास है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिस वजह से आप इस वीडियो पर आए हैं उसकी, कि आप किस तरह से इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहां से आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर एक ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस पर आप ईमेल कीजिएगा, जिसमें आपको बताना है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या आप फ्रेंचाइजी ओनर बनना चाहते हैं, आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल है स्टॉक करने के लिए, आप इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपके पास ये कमर्शियल व्हीकल हैं, और आपके पास GST और ट्रेड लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, जिससे कि जल्दी आपको रिस्पांस मिल जाए। तो जो ईमेल आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है cc.rrl@rail.com। और दूसरा जो सीधा कॉन्टैक्ट है जिसके साथ आप डायरेक्टली टाई अप कर सकते हैं, तो आप लिंक्डइन पर जाइएगा, वहाँ पर ये जो प्रोफाइल मैंने आपको यहाँ पर शो किया है पीछे आप देख रहे होंगे, ओके, मैं फुल स्क्रीन पर इसको करके दिखा देता हूँ। आप लिंक्डइन पर जाइएगा और इनको आप सर्च कीजिएगा, इनको आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ओके, आप इनसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद आप मैसेज करके इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और आपको ये डिटेल में जानकारी भी दे पाएंगे कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी ओनर इनके बन सकते हैं या सेल्स पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों, फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा कि जिस इंसान को आप कोई पैसा दे रहे हैं वो कंपनी का ही है, जेन्युइन है, या जिस वेबसाइट पर आप इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, कोई पेमेंट आप कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सिक्योर है या नहीं, आप अपनी एश्योरेंस पहले कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में किसी को ब्लेम ना कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ईमेल का रिवर्ट जल्दी मिल जाए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, कभी कभी टाइम लग सकता है, तो आप दोबारा ईमेल पोस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपने यहाँ लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आपका दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। बिना आपके हम कुछ भी नहीं हैं, जो हैं वो आपके सहारे से ही हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिज़नेस में जाना चाहता है उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए शानदार टॉपिक या बिज़नेस आइडिया के साथ। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।